हैंडमेड आइटम्स की भी, और जो अपने घर से ये लोग कुछ ना कुछ अपना कर रही हैं महिलाएं, ये इनकी आज प्रदर्शनी लघु उद्योग भारती ने लगाई है और मुझे भी आने का अवसर मिला। ये जिस तरह से स्वयं सिद्धा के नाम से ये प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में, तो मैं इनको धन्यवाद भी दूंगी कि इतना अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आगे बढ़ रही हैं हमारी महिलाएं, महिला उद्यमियों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बहुत खुशी हुई यहाँ की। सरकार और क्या प्रयास करेगी लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? कुटीर उद्योग लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर भी रही है और करेगी आगे। इनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा इनको आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती देने के लिए, इंसेंटिव्स प्रदान करने के लिए सरकार डेफिनेटली करेगी। मैंने आज इनको एक और बात बोली कि आप इसमें टूरिज्म को भी जोड़ें, महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो घर में ज़्यादातर घर पे ही रहती हैं, तो वहाँ होम स्टेज का भी अगर ये लोग कर सकती हैं कुछ अपने घरों में ही, अगर जिनके बड़े घर या ऐसी व्यवस्था है जिनके घर में, वो वहाँ पर कुछ कमरों को अलग से टूरिस्ट के लिए भी कर सकती हैं तैयार, ताकि आजकल क्या हो गया है कि टूरिस्ट सिर्फ 5 स्टार में रह के मॉन्यूमेंट्स देख के यही सब कुछ नहीं रहा, अब टूरिस्ट चाहता है कि कुछ अलग सा मैं करूँ, कुछ अलग देखूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस हो। राजस्थान सिर्फ यही नहीं है कि ये बस मॉन्यूमेंट्स हो गई या एक 5 स्टार हो गया, बस ये हो गया, ये नहीं है। आजकल तो लोग देखना चाहते हैं गाँव में लोग कैसे रहते हैं, अपने घर में कैसे रहते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे कैसे, ये सब चीज़ें भी लोग अब देखना चाहते हैं। तो अब उसमें भी अगर ये महिलाएं अपने इसके बारे में सोचें तो इसमें भी टूरिज्म भी इनको थोड़ा उसमें सहयोग भी दे सकता है और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास। मैम, लघु उद्योग राज्य की नहीं, पूरी तैयारी है, और जो कि जैसे कि सेफ्टी है, सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है टूरिस्ट के लिए, व्यवस्था है, सड़कें हैं, बाकी चीज़ें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले परकोटे पे भी जो थोड़ी सफाई की बात आती रहती है कि सफाई और होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सफाई हो गई, ओवरहेड वायर्स हो गए, ट्रैफिक का की जो वो समस्या रहती है, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी तो देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री एक टूरिज्म डिपार्टमेंट फैसिलिटेटर है, तो वो जो भी किसी भी जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या कोई डेस्टिनेशन है उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें कोई अगर परेशानी आ रही है, कुछ और हम लोग कर सकते हैं, सड़क अच्छी बना सकते हैं, वहाँ और बसें चलानी है तो वो कर सकते हैं, हम एक्चुअली फैसिलिटेटर हैं बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एंड द डेस्टिनेशन, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है ना वो ये सारी चीज़ें भी देखता है, उसको भी मालूम है कि मैं ये मॉन्यूमेंट में जा रहा हूँ तो मॉन्यूमेंट तो ऐसा ही होगा जैसा है, वहाँ पर भी अच्छे साइनेजेस हों, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हों, साफ सफाई हो, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं चाहता, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएँ हर टूरिस्ट के लिए अच्छी हम लोग बनाएं। नहीं, बहुत उत्साह था लोगों में, और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे हरियाणा में और JNK में भी, तो बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल। लघु उद्योग एक राज्य की आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक वो है, तो ऐसे में जो टूरिस्ट इनकी कला तक पहुंचे और ये माल वहाँ तक पहुँचे, तो पर्यटन विभाग की ओर से जो टूरिस्ट पहुंचाने का काम वो कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, पर्यटन और इंडस्ट्री, MSME और पर्यटन कोशिश करेगा कि इनको बढ़ाया जाए, इन तक ये भी, इसलिए मैंने इनसे बात भी की है कि आप टूरिस्ट प्लेसेस में आप लोग भी इस तरह की प्रदर्शनियाँ वहाँ लगा सकते हैं, और कुछ ऐसी भी व्यवस्था हो जाए ताकि इन लोगों को रोटेशन पे वहाँ पर एक परमानेंट एरिया हो जाए, ताकि इनकी भी जो ये जो बनाते हैं वो चीज़ डायरेक्टली टूरिस्ट देखे भी और वो उनको बिजनेस भी मिले, खरीदे भी। ऐसे एक बाजार भी मैम सांभर पे जहाँ पे है वहाँ ऐसा, देखिए सांभर पे हर टूरिस्ट नहीं जाता, सांभर पे हमारी दूसरी योजना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इनको क्या चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा फुटफॉल,
ऑटोमेटिक फुटफॉल हो, वो फुटफॉल वाली एरिया में अगर इनको एक स्पेस दी जाएगी, जो मैंने इनसे बात की है, वो फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको फैसिलिटेट करके उनको एक ऐसी जगह दे दे जहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन है वो आके अपना डिस्प्ले भी करें, वो बनाई भी और डायरेक्टली टूरिस्ट उसको खरीद भी सकें। थैंक यू मैम।